हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं एजुकेट टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, और उसमें कोई भी करंट सोर्स या फिर वोल्टेज सोर्स एक दूसरे की जगह पे कैसे रिप्लेस किया जाता है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक का नाम है वो है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जानने से पहले आपको दो सोर्स के बारे में पता होना चाहिए। एक होता है वोल्टेज सोर्स और एक होता है करंट सोर्स। ठीक है, तो दोनों के बारे में चलिए फिगर के द्वारा समझते हैं। ये है वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स, दिस इज फर्स्ट। सेकंड वन इज करंट सोर्स। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़, कोई भी वोल्टेज सोर्स वो आइडियल नहीं होता, या फिर कोई भी करंट सोर्स वो आइडियल नहीं होता। तो जैसे ही हम लोग रियल लाइफ में उतरते हैं, तो रियल लाइफ में क्या होता है कि अगर कोई बैटरी है, लेट्स से कोई बैटरी है, तो उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो एक्चुअल अगर देखा जाए तो EMF तो दे रहा है। अगर EMF अगर हम लोग जैसे कोई सर्किट में लिखते हैं 5 वोल्ट दिस बैटरी का, तो इंटरनल रेजिस्टेंस अगर इंक्लूड नहीं करते हैं तो वो आइडियल है, और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस को इंक्लूड करके हम लोग उसको कैलकुलेशन करते हैं तो वो उसका रियल वोल्टेज सोर्स हो गया। तो सिमिलरली हेयर ऑल्सो कि ये जो वोल्टेज सोर्स है यहाँ से यहाँ तक, ये है रियल वोल्टेज सोर्स, रियल वोल्टेज सोर्स। तो ये रियल वोल्टेज सोर्स को हमने रिप्लेस कर दिया एक आइडियल वोल्टेज सोर्स से, दैट इज VS, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि इसका होगा, जो रियल वोल्टेज सोर्स है उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, उसको हमने दे दिया नाम कैपिटल R। तो ये जो वोल्टेज सोर्स है, आइडियल वोल्टेज सोर्स, वो कुछ वोल्टेज इसके अक्रॉस ड्रॉप करेगा जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, और जो बाकी बचा वो देगा पॉइंट ए और बी को। ठीक है, सिमिलरली इन केस ऑफ करंट सोर्स ऑल्सो, ये है करंट सोर्स IS। ठीक है, तो ये जो करंट सोर्स है ये पूरा करंट तो सी और डी टर्मिनल को नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि ये रियल है यहाँ से यहाँ तक, रियल केस में कुछ ना कुछ तो कम होगा पहले से। जैसे इसमें वोल्टेज VS था आइडियल, तो उसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप करेगा ड्यू टू इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। सेम लाइकवाइज हेयर ऑल्सो कि ये जो करंट सोर्स है IS, जो कि करंट देना था, ये कितना सप्लाई करना था? IS करंट, बट ड्यू टू इट्स इंटरनल कॉम्बिनेशन, इंटरनल जो इसका कंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से इसमें सारा करंट नहीं दे पाएगा, कुछ करंट R1 के अक्रॉस कुछ करंट फ्लो करेगा R1 थ्रू, और कुछ करंट जो मैक्सिमम करंट हो सकता है वो CD के अक्रॉस होगा। ठीक है, तो ये था करंट सोर्स, और ये अगर पूरा कॉम्बिनेशन को देखे तो ये है रियल करंट सोर्स, रियल करंट सोर्स। ये तो समझ में आ गया कि रियल वोल्टेज सोर्स क्या है और रियल करंट सोर्स क्या है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि एक रियल वोल्टेज सोर्स को रियल करंट सोर्स में कैसे बदल सकते हैं, या फिर अगर कोई रियल करंट सोर्स है उसको हम लोग रियल वोल्टेज सोर्स में कैसे बदल सकते हैं। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत जगह सर्किट में कुछ वोल्टेज सोर्स लगा रहता है, कुछ करंट सोर्स लगा हुआ है, तो इसमें दिक्कत क्या आती है कि कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाता है। तो ईजी करने के लिए क्या किया जाता है कि या तो सारे को, जितने भी सोर्स हैं सारे को करंट सोर्स में चेंज कर लो, या फिर सारे को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पर उसी चीज को देखेंगे कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो ये है करंट सोर्स और ये है वोल्टेज सोर्स, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसके लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए इन दो टर्मिनल के बीच, दैट इज पॉइंट AB और CD। मतलब AB पॉइंट को हटा के उसके जगह पे ये पॉइंट
लगा सकते हैं। अ रियल वोल्टेज सोर्स एंड अ रियल करंट सोर्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट, दोनों इक्विवेलेंट हो सकता है इफ दे सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू कंडीशंस, दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तभी ये इक्विवेलेंट हो सकता है। जैसे इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे बहुत सारा रेजिस्टेंस लगा है तो उसको हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना होता है ताकि हम लोग का जो सर्किट है वो सिंपल हो। तो सिमिलरली हेयर ऑल्सो कि इसका इक्विवेलेंट ये कब होगा और इसका इक्विवेलेंट ये कब होगा, उसके लिए दो कंडीशन मस्ट है, दो कंडीशन को वो सेटिस्फाई करना चाहिए। पहला कंडीशन है द ओपन सर्किट वोल्टेज एट देयर टर्मिनल्स आर इक्वल, मतलब कि ये जो ओपन सर्किट टर्मिनल है ए पॉइंट, टर्मिनल ए एंड बी दोनों के बीच अभी ओपन सर्किट है तो अभी इसका जो पोटेंशियल होगा दैट इज वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस जो भी होगा वो बराबर होना चाहिए सी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। आया समझ में? पहला ये पॉइंट है कि दोनों का वोल्टेज, दोनों टर्मिनल्स के बीच का वोल्टेज सेम होना चाहिए इन बोथ द केसेस व्हेन दे आर इन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट वोल्टेज कितना होगा? जितना वीएस है, क्योंकि इससे करंट फ्लो अभी नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि ओपन सर्किट है तो इसमें सर्किट कंप्लीट होगा तभी तो करंट फ्लो करेगा। तो इसमें जो भी वोल्टेज वीएस है वही वीएस वी ए बी क्या हो जाएगा, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी टर्मिनल्स इक्वल टू वी एस, और ये बराबर होना चाहिए वी सी डी के, ये बराबर होना चाहिए वी सी डी। तो वी सी डी क्या होगा, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है? अगर ये ओपन सर्किट है तो ये आई एस है, सपोज ये जो करंट सोर्स है ये आई एस करंट दे सकता है, तो सारा करंट आर वन के थ्रू जाएगा क्योंकि ये सर्किट ओपन है अभी। तो सारा करंट अगर आर वन के थ्रू जाएगा तो वोल्टेज क्या होगा अक्रॉस सी डी आई एस इंटू आर वन। तो ये दोनों वोल्टेज बराबर होना चाहिए, पहला कंडीशन था। तो दोनों को अगर इक्वेट करेंगे, दिस इज इक्वेशन वन एंड दिस इज इक्वेशन टू, ऑन इक्वेटिंग वी गेट वी एस इक्वल टू आई एस इंटू आर वन, ये पहला कंडीशन मिला। सेकेंड कंडीशन क्या था कि द शॉर्ट सर्किट करेंट्स बिटवीन देयर टर्मिनल्स आर सेम, मतलब कि अगर इसको हम लोग शॉर्ट कर दें, एक वायर से शॉर्ट कर दें और इसको भी अगर शॉर्ट कर दें, शॉर्ट सर्किट हो गया दोनों, तो इससे जो भी करंट फ्लो करेगा, जो भी करंट फ्लो करेगा वो बराबर होना चाहिए इसमें जितना करंट फ्लो करेगा। आ गया समझ में? तो इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, इसमें दैट विल बी इक्वल टू आई ए बी, मान लेते हैं ए बी के थ्रू जितना करंट फ्लो कर रहा है आई ए बी, इससे उतना ही करंट फ्लो करेगा जितना आर के थ्रू फ्लो कर रहा है। तो आर के थ्रू फ्लो कितना करेगा, वी एस बाई आर वन, सॉरी वी एस बाई आर, वी एस बाई आर उतना ही करंट फ्लो करेगा। इस केस में कितना करंट फ्लो करना चाहिए, कुछ करंट तो इधर जाएगा या कुछ इधर जाएगा, रॉन्ग, आर वन के थ्रू जीरो करंट पास होगा। क्यों? क्योंकि इसको एक सिंपल वायर मिल रहा है जिसके के पास जीरो रेजिस्टेंस है, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, तो ये आर वन के थ्रू करंट पास नहीं होगा। जो भी करंट है आई एस वो सारा किसके थ्रू पास होगा, सी डी के थ्रू। ये समझ में आया? तो आई सी डी इक्वल टू क्या होगा, आई एस, जो भी करंट सोर्स है उसका जो भी करंट है वो सारा सी डी के थ्रू पास होगा। नाउ इन दोनों को इक्वेट करेंगे क्योंकि दोनों सेम होना चाहिए, तो अगर इक्वेट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा फाइनली आई एस इक्वल टू ये वी एस बाई आर, ठीक है। और यहां से क्या लिखा जा सकता है, वी एस इक्वल टू, वी एस इक्वल टू आई एस इंटू आर, ये लिखा जा सकता है। तो हम लोग के पास दो इक्वेशन आ गया, क्या क्या, फर्स्ट वन इज वी एस इक्वल टू आई एस आर वन, सेकेंड वन इज वी एस इक्वल टू आई एस आर। तो इन दोनों इक्वेशन से क्या पता चल रहा है कि आर वन इक्वल टू आर होगा, और दोनों में से कोई एक इक्वेशन को लिख सकते हैं।
तो ये सारा आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग के लिए अभी दो इक्वेशन इम्पोर्टेंट है। पहला ये वी एस इक्वल टू आई एस आर वन, और दूसरा ये वी एस इक्वल टू आई एस आर। बाकी मैं रब कर देता हूँ। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। पहला है तो इन दोनों इक्वेशन से पता चल रहा है कि R जो होगा वो R1 के बराबर होगा, और सेकंड वन इज BS इक्वल टू ISR या फिर ISR1। ये दोनों इक्वेशन यानी कि ये दोनों कंडीशन है जो कि सेटिस्फाई करेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों इक्विवेलेंट है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। ये हम लोगों के पास क्वेश्चन है। दिस इज आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से देखते हैं। 2 ओम, 5 ओम, 3 ओम, 20 मिली वोल्ट, ये वोल्टेज सोर्स है, और ये 5 ओम के पैरेलल एक करंट सोर्स लगा हुआ है जो कि 2 मिली एम्पेयर का है। ठीक है, तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो मैंने पहले ही बताया था कि अगर कोई नेटवर्क है, कोई भी सर्किट है, उसमें अगर कोई करंट सोर्स है, कोई वोल्टेज सोर्स है, तो पहला स्टेप क्या है कि सारा को या तो वोल्टेज में कन्वर्ट कर लो या फिर करंट में कन्वर्ट कर लो। तो ये जो करंट सोर्स है इसको हम चाहते हैं कि वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस किया जाए। तो कैसे रिप्लेस करेंगे? दिस सर्किट कैन बी रिप्लेस्ड बाई, ये 20 मिली वोल्ट का है, ये 2 ओम का है। अब इसको देखिए और एक इसको देखिए, दोनों इक्विवेलेंट है, दो एंड है, इधर इधर भी दो एंड था। ठीक है, तो ये जो वी एस है इसको हम लोग वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक वी एस देना पड़ेगा सीरीज में। वी एस अगर दे रहे हैं तो ये वी एस का वैल्यू कितना होगा? Vs का वैल्यू होगा IS इंटू R या फिर IS इंटू R1। तो यहां पर IS यानी कि करंट कितना है? 2 मिली एम्पियर, तो 2 मिली एम्पियर इंटू R1। करंट रेजिस्टेंस कितना है? दिस दैट वाज R1, तो R1 ये है 5 ओम, तो 5 ओम कितना इंटू 5 ओम, ये हो गया वोल्टेज सोर्स Vs इक्वल टू दिस। और एक सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट होना चाहिए, दैट इज R। तो ये तो देखा ही था कि R इक्वल टू R1, तो यहाँ पर सिंपल हमने एक रेजिस्टेंस ऐड कर दिया इन सीरीज, दैट इज 5 ओम, क्योंकि ये 5 ओम था। ये इसके जगह पे हमने इस चीज को पूरा रिप्लेस कर दिया, इसको हमने पूरा रिप्लेस कर दिया इसके जगह पे ये, और इसको हमने सर्किट कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर 2 ओम है, 3 ओम है। अब इसको सॉल्व करना आसान हो गया आई थिंक। वी एस का वैल्यू कितना आ गया? 2 इंटू 5, 10, तो 10 मिली वोल्ट। तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर, वी एस इक्वल टू 10 मिली वोल्ट, वी एस इक्वल टू 10 मिली वोल्ट। तो ये सिंपल हो गया। अब ये भी मिली वोल्ट था, 20 मिली वोल्ट, तो इससे हम लोग अब करंट का वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। तो ये था यूज़ कैसे हम लोग सोर्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे एक सोर्स से दूसरे सोर्स में। सिमिलरली अगर ये दिया रहता
और ऐसे जाना है, तो क्या करेंगे, इसके पैरेलल एक करंट सोर्स लगाएंगे, ठीक है, और रेजिस्टेंस जितना 5 ओम था उतना ही 5 ओम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस और करंट सोर्स दोनों एक दूसरे से पैरेलल में। तो दिस इज ऑल अबाउट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, और आई होप कि आपको ये सारा समझ में आया। तो अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को अगर आप नए हैं। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।